ही होगी ये लाश, उनकी है या नहीं ये जानने के लिए पहले डीएनए टेस्ट करना होगा। मजाक है क्या? क्या अब मुझे ही खाना बनाकर तुम्हें खिलाना भी होगा है? मिस्टर जोई, बस थोड़ी देर की ही बात है, आप ही क्यों नहीं बता दे जो आप सब जानते हैं। मिस्टर चॉय, तो मिस्टर ली, क्या आप अब भी अपने बयान पर कायम हैं कि आपने ही 10 औरतों को मारा? मैं? हाँ, ये मैं वो सीरियल किलर नहीं हूं। आई प्रॉमिस दैट। तो आप वो सीरियल किलर नहीं है? शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर इस केस से जुड़ी बारीक जानकारियां आपको कैसे मिली जो सिर्फ असली खूनी को ही पता होगा? क्योंकि मैंने ये किताब नहीं लिखी। मिस्टर ली, तो फिर किसने लिखी ये किताब? मैंने लिखी ये किताब। क्या कह रहे हैं आप? दूसरों का असली नाम है जंग ह्यूनसक। सबसे पहले शिकारी, मेरी खुद की मां। एक मिनट रुकिए। ये है जंग ह्यूनसक फाइल। हाँ, जो लोग शिकार हुए उनके परिवार के बारे में रिसर्च किया और पता चला जो पहली शिकार थी उनका बेटा था जोंग ह्यूंग सिक, एक्सीडेंट में उसी साल मारा गया जब कानूनन वक्त खत्म हो चुका था। उस दिन जंग की मौत हो गई और उसकी जाली ने जन्म लिया। लेकिन क्या लगता है इन दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है? वो बात मैं बता सकता हूं। 2005 की सर्दियों का मौसम था, हम बड़ी मुश्किल से उसे बचा पाए थे और इसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया था जिसे ठीक करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत थी। तो आपने ली के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी किया था? ये जोई का सुझाव था और ह्यूनसिक भी यही चाहता था। तो इसका मतलब खूनी को सामने लाने के लिए मिस्टर चॉय ने ये सारा प्लान किया, यहां तक कि किताब भी उसी वजह से ली गई थी। तुम एक संगी खूनी हो जिसे पूरे देश का ध्यान बटोरना पसंद है, तो इसलिए तुम होम रहोगे और मैं तुम्हारे पीआर स्टंट का हिस्सा बनूंगा। अगर कोई उस किताब से बहुत फेमस हो जाएगा तो किसको सबसे ज्यादा जलन होगी? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने जैसा सोचा था वैसे ही जाने फंस गए। मिस्टर जोई, मैं हैरान हूं, थोड़ा कम समझ लिया था मैंने आपको, पर अब तो कानूनन मुझे सजा मिल नहीं सकती। फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उसकी खातिर किया जंग सुयुन? मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो जिंदा है या मर चुकी। और उसे कहां दफनाया है? उसके बाद मैं तुम्हें मार डालता। वो होती तो ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए अब मैं सोच में कि ऐसा करूं या नहीं। क्या मतलब? मैं कर रहा हूं। ये सब नाटक क्यों कर रही हो?
जल्दी से सब दिखा दो और रफा दफा करो ये मामला। प्लीज मुझे बस एक आखिरी बार मुझे उसकी आवाज सुना दो। हेलो 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 हेलो, तुमने बेचारी को क्यों मारा? मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इरादा क्या है। ये वीडियो दिखाकर तुम पब्लिक को सेंटिक ना चाहते हो ना कि मैं वो शैतान हूं जो भोली औरतों को बेदर्दी से मारता हूं। और तुम्हारी आवाज इस वीडियो में इसे ये और दर्दनाक बनाती है। तुम अभी बहुत ज्यादा डर गए हो अपनी बक बंद करो और सुनो। हेलो हेलो हेलो, तुमने उस बेचारे को क्यों? हेलो हेलो, अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हेलो, ये मैं बेचारा हूँ। हेलो हेलो, क्या चाहते हो? हेलो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम बहुत जल्द लौटेंगे। हेलो हेलो, क्या चाहते हो तुम? तुमने वो सुना? 14वीं प्रेसिडेंशियल काउंटिंग की काउंटिंग जो हुआ था दिसंबर 1992 में, और इसी के साथ आज है दिनभर 18/2007 11:46 PM। इसका मतलब यानी तुम्हारे गिरफ्तार होने में अभी 14 मिनट बाकी हैं, जो मेरे लिए काफी है। जॉय सर, जॉय। हम 2 साल साथ साथ रहते काफी करीब हो गए थे। वो हमेशा कहती थी कि तुम किसी अफसोस के साथ जियो, वो ये नहीं चाहती है। जब तक उसे दफनाया तब तक भी तुम्हारे बारे में सोची थी वो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज सुनो, मुझे जीना है। मैं किसी वजह से जीना चाहती हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। करो अपना मुंह। बहुत जोर से लगी। मैंने उसके पीरियड्स का ध्यान रखा, वो फिर ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे लगा बच्चा होगा, मैं उसे नहीं मारूंगा, पर मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है बच्चे। पता लगता है उसका बदला लेने के लिए तुमने सब दांव पर लगा दिया, पर ये तब करना चाहिए था जब था तुम्हारे पास। मुझे खींचकर तुम्हें टीवी पर नहीं लाना चाहिए था, ताकि तुम एक दयावान साबित हो जाओ। बंदूक हटा दो सर, अब सब खत्म हो चुका है। तुमने सही कहा, मैं गलत था। मुझे इतना दयावान नहीं होना चाहिए, है ना? कम से कम उस याद में तो नहीं। सारी गलती मेरी है, पर अब लगता है हम दोनों के लिए ये मामला खत्म हो चुका है।
नहीं छोड़ो मुझे, भागो, हटो हटो, भागो भागो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, अपने आप को बचाओ, भागो। सुन, युन की माँ की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। से आओ, जब तेरी मां मरी थी तो मुझे बोली थी कि अब उसके बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अपना मुंह बंद रख। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे 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 भाग के, अरे देखो, अरे क्या गिर रहा है, अरे बचो, अरे बचाओ खुद को, बच के। पकड़ो उसे। हार में जा कमने। पूरी गाड़ी डाल दो अंदर, नीचे है। आप चोट लगी है क्या? कदो साले को। लाओ, लाओ चाबी दो मुझे, चाबी दो। कहाँ चले वो, बाइक नहीं है। गाया साला, पकड़ो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं गया, तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो ना? तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें देखा है, तुम मिस्टर चोई हो ना? सर आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? सर आप ठीक हो? आप ठीक हो?
हो गई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। हम बहुत ही जल्दी लौटेंगे। अभी आधी रात हो चुकी है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हम जल्द ही लौटेंगे। कहाँ गया सोना? कमीने, आप 3 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझे मार डालूंगा। ठीक हो अरे पकड़ो अरे वो देखो देखो जा रहा है उसको पकड़ो अरे देखो पकड़ो उसे वो जा रहा है भागने मत देना उसे। Ha ha ha!